मीडिया राइट्स क्या होते हैं, आखिर ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं, और जो इतने महंगे पैसे देके इसको खरीदता है आखिर वो उसकी वसूली करता कैसे। अभी आजकल आईपीएल के मीडिया राइट्स की बात हो रही है, तो ये 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट जो पे किया गया, आखिर ये किन के बीच में बटेगा, बीसीसीआई को मिलेगा या फ्रेंचाइजी टीम के ओनर को मिलेगा, किसने पे किया है, क्यों पे किया है, और जिसने भी पे किया है आखिर ये वसूली कैसे करेगा। तो जानते हैं इस आईपीएल मीडिया राइट्स का पूरा गणित इस आज के स्पेशल वीडियो में, जो कि आम जनता के लिए नहीं, खास जनता के लिए है, जो कि एंटरटेनमेंट नहीं, इंफोटेनमेंट ढूंढ रही है, इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। अभी कुछ दिनों पहले आईपीएल के मीडिया राइट्स बिके, टोटल वैल्यू मिली 48,390 करोड़ रुपए। 23,575 करोड़ रुपए खर्च करके स्टार ने सिर्फ मीडिया के राइट्स खरीदे हैं, और 23,758 करोड़ रुपए देके वाईकॉम 18, जो कि सीक्रेटली हमारे मोटा भाई की कंपनी है, उन्होंने खरीदे इसके डिजिटल मीडिया राइट्स। आपको मैं बता दूं कि पिछले सेशन में स्टार इंडिया ने टीवी राइट और डिजिटल राइट दोनों मिला के खरीदे थे 16,300 करोड़ के आसपास, और अभी ये दोनों राइट अलग अलग कंपनियों को मिले हैं, वो भी मिले हैं टोटल 48,000 करोड़ में, यानी अब की बार बोली गई है 2.5 गुना से भी ज्यादा। तो बात करते हैं आखिर मीडिया राइट्स होता है क्या। मीडिया राइट्स का सिंपल सा मतलब है किसी की अगर कोई चीज है, उसने अगर बनाई है, उसको प्रसारण करने के अधिकार। तो जैसे एक प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई, तो वो थिएटर वाले कहता है भाई तुम दिखाना चाहते हो, हाँ जी लाओ पैसा। ओटीटी में अमेज़न कहता है भाई मैं दिखाऊंगा, भाई तू भी ला पैसा। रेडियो वाला कहता है मैं आपके गाने चला लूं क्या, हाँ चला ले भाई, ला पैसा। मेरी चीज को तुम अपने चैनल पे अगर दिखा रहे हो, उसके पैसे जमा कराओ। तो बीसीसीआई ने कहा भाई आईपीएल किसका, मेरा। तो स्टार बोलता है मैं मेरे टीवी पे दिखा लूं, हाँ दिखा ले भाई, ला पैसा। दो वूट वाले या वाईकॉम 18 वाले कहते हैं हमारे ऐप पे दिखा ले, हाँ दिखा लो भाई, लाओ पैसा। तो ये होते हैं मीडिया राइट्स। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि बीसीसीआई को कितनी कमाई हुई है, आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। टोटल आईपीएल के 5 साल में ये जो राइट्स बेचे गए हैं, 5 साल के लिए बेचे गए हैं, 2023 से लेकर 27 तक जो 5 आईपीएल होंगे उसके लिए। अब आप इसमें इमेजिन कीजिए, टोटल इन आईपीएल में अभी कुछ मैचेस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ऑन एन एवरेज 410 मैच 5 साल में होंगे। टोटल पैसा बीसीसीआई को मिला है 48,390 करोड़, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग होता है 117 करोड़ के आसपास पर मैच के लिए। एक मैच में होते हैं 40 ओवर, तो अगर मैं पर ओवर की बात करूं तो पर ओवर बीसीसीआई को मिल रहा है 2,95,00,000, और पर बॉल होता है ये 49 लैक्स। एक बॉल फिक्री है उसको दिखाने के लिए बीसीसीआई चार्ज कर रहा है 49 लाख। समझो आईपीएल कितनी बड़ी चीज हो चुकी है। अबे आपके मन में सवाल होगा, सर बीसीसीआई का इतना पैसा आ गया, सारा पैसा बीसीसीआई का है? नहीं सर, आधा पैसा बीसीसीआई का है, आधा पैसा टीम में बटेगा। तो ये 48,000 करोड़ जो है ये 5 साल के हैं, इसका आधा 24,000 करोड़ किसका हुआ, 24,000 करोड़ हुआ बीसीसीआई का, 24,000 करोड़ का बाकी टीमों में बटेगा। टीम कितनी है, टोटल 10 टीम, तो एक एक टीम के हिस्से में अगले 5 साल में 2400 करोड़ से ज्यादा, यानी ऑन एन एवरेज 500 करोड़ से ज्यादा हर साल एक टीम को मिलने वाले इस राइट्स में। तो जो मैंने आपको बताया था कि आईपीएल इतनी महंगी महंगी टीमें खरीद रही है, इसको वसूली कैसे होगी, ऐसे होती है वसूली। और डिटेल में समझना चाहते हो तो एक वीडियो अलग से बनाया, उस पर जाके आप देख सकते हो। अब आते हैं आपके अगले सवाल पे कि सर जी ये तो चलो पैसे मिल गए, जिसने दिए वो बेचारा कैसे कमाएगा। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं स्टार इंडिया का। स्टार ने कहा 5 साल के भैया मैं देता हूं 23,575 करोड़ रुपए, मुझे मेरे टीवी पे दिखाने दो। तथास्तु। अब टोटल 5 साल में कितने मैच होंगे, 410 मैच होंगे। तो 410 मैच के लिए उसने दिए 23,575, वापस अपना कैलकुलेटर हाथ में लो, कैलकुलेशन करो, पर मैच में 57 करोड़ रुपए कमाने हैं। अगर इस स्टार ने अपने टोटल एड बेच के एक मैच में 57 करोड़ रुपए कमा लिए, तो भैया इसका पैसा वसूल हो गया, इसके ऊपर जो कमाएगा प्रॉफिट। अब सवाल है क्या ये 57 करोड़ पर मैच कमा पाएगा, और ये कैसे कमाता है इसकी गणित समझते हैं। एक मैच में 50 मिनट के लगभग ऐड दिखाए जाते हैं, सेकंड में बात करें तो टोटल 3000 सेकंड के ऐड दिखाए जाते हैं। एक 10 सेकंड का एक ऐड के हिसाब से बांटा जाता है, तो टोटल 300 स्लॉट अवेलेबल हैं बेचने के लिए। इस समय आईपीएल के जो 2022 वाला गया, इसमें एक आईपीएल के ऐड की एवरेज स्लॉट थी 14 से 15 लाख रुपए पर 10 सेकंड। एक 10 सेकंड का एड दिखाने के एवरेज 14 से 15 लाख रुपए लेते हैं, और टोटल 300 स्लॉट इनके पास अवेलेबल है। तो अभी इन्होंने 2022 में ऑन एन एवरेज एक मैच से 45 करोड़ रुपए कमाए थे। तो टोटल अब की बार जो, अच्छा अब की बार इंटरेस्टिंगली लास्ट सीजन तक, लास्ट 5 साल में स्टार के पास डिजिटल राइट भी थे, टीवी के राइट भी थे। तो टोटल 2022 के सीजन में
टीवी के राइट से इन्होंने टोटल पैसे कमाए 3000 से लेके 3300 करोड़ के बीच में, और 800 करोड़ रुपए इनके डिजिटल से आए। तो टोटल 2022 में सिर्फ एड से स्टार की इनकम थी 3800 से 4000 करोड़, और पिछले साल इन्होंने पे किए थे मात्र 16347 करोड़। तो पिछली बार वाले प्रॉफिट में तो आ गए। अब की बार वाले प्रॉफिट में आने के लिए इनकी कैलकुलेशन है कि ये जो 15 लाख रुपए का एड था, अगर ये 19 लाख की इसकी रेट कर दी जाए, जो कि हो सकता है अगर धीरे धीरे आईपीएल की टीआरपी बढ़ती है तो धीरे हो सकता है ऑब्वियसली रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि बात है 5 साल की। तो आज 15 लाख है, अगली साल 16 लाख होता है, 17 लाख होता है, 20 लाख होता है, 22 लाख होता है, तो ये होपफुली अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। इसको भी बेचने की इनकी स्ट्रेटजीज होती है, ये नहीं जाते 300 एड बेचने एक साथ नहीं जाते, ये क्या करते हैं डील करते हैं बड़ी बड़ी। एक प्राइम स्पॉन्सर लिया है जैसे टाटा आईपीएल, जैसे वीवो आईपीएल से हो गया टाटा आईपीएल, तो टाटा से एक बार में पैसे ले लिए कि सर ये 300 स्लॉट में से आप एक काम करो 100 स्लॉट आप ले लो, आप तो स्पॉन्सर बन जाओ साहब, को स्पॉन्सर बन जाओ साहब, को पावर्ड बन जाओ। तो ये ऐसे अपने साथ बहुत मोटी मोटी आसामी जोड़ के 300 स्लॉट 300 आदमी को बेचने नहीं जाते, ये इकट्ठे डील कर लेते हैं और अपना पैसा कमा लेते हैं। आईपीएल फाइनल की रेट्स अलग होती है, तो ये 14-15 लाख नॉर्मल मैच की रेट है, जैसे जैसे मैच इंटेंस होता जाता है सेमीफाइनल फाइनल ये रेटें बढ़ती जाती है, तो ओवरऑल ये पैसे निकाल लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड कि सर सारा पैसा सिर्फ एड से निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो एड से प्रॉफिट में आ जाएंगे, बाकी उसके अलावा अगर आप देखेंगे अब स्टार स्पोर्ट्स पे जितना ज्यादा आईपीएल आएगा और जितना ज्यादा लोग देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स की टीआरपी बढ़ेगी। तो कल को अपन जैसे आप टाटा स्काई में जाते हो पैकेज लेते हो, टाटा स्काई कहता भैया 300 रुपए का बेसिक पैकेज है, हाँ अगर ये स्टार स्पोर्ट्स लेना है जिसमें आईपीएल भी है 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वो जो जैसे ही आपके चैनल पे आईपीएल दिखने लग गया आपके चैनल की थोड़ी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो जब भी आप टाटा स्काई और कोई भी पैकेज लोगे आपका चैनल अलग से बिकेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, वहां से भी आप थोड़े पैसे और निकाल लेते हो। उसी प्रकार जैसे मैं कहता हूं हमारे मोटा भाई ने वाईकॉम 80 में डिजिटल वाले राइट्स लिए, तो वहां पे वूट पे अब ये मैच दिखाए जाएंगे, तो वूट पे आईपीएल देखने के चक्कर में कितने सब्सक्राइबर वूट के बढ़ेंगे। अभी वूट बहुत नीचे चल रहा है, टॉप 5 में या टॉप 6 लेवल पे आता है, लेकिन जब आईपीएल देखने जनता जाएगी तो वूट के भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो उस सब्सक्रिप्शन फीस से भी वूट वाले बहुत पैसे कमाएंगे। तीसरा फायदा इनको क्या होता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। सपोज आप आईपीएल का ब्रॉडकास्ट करने लग गए तो अब आप में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, थोड़ी आपकी वैल्यूएशन अप है। स्टॉक मार्केट में अगर आपके शेयर है थोड़ी आपकी वैल्यूएशन अप जाती है, तो कोई भी प्रेस्टिजियस चीज आप करते हैं तो आपकी वैल्यूएशन वैसे भी हो जाती है, तो इसका प्रॉफिट वहां भी आपको मिलेगा। चौथा, ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। जैसे आज की रेट में स्टार 5 साल से आईपीएल कर रहा है, अगले 5 साल और करेगा, तो स्टार को आप आसानी से भूल नहीं पाओगे, आपके दिमाग में छप गया, तो स्टार ने अपना ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत कर लिया, जिसके आगे ये पैसा कुछ भी नहीं। तो ये आपने समझी मीडिया राइट्स की पूरी गणित। अब आप ध्यान से सुनिए सर, आईपीएल टीम कैसा कैसे कमाती है मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, बॉलीवुड पैसा कैसे कमाता है उस पर बना चुका हूँ, आज टीवी चैनल पैसे कैसे कमाते हैं उस पर भी आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लेक्स में कैसे पैसा कमाते हैं उस पर वीडियो बन चुकी है। अब आप कोई इंडस्ट्री आपके मन में रह गई है कि सर ये इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है, बैंक पैसे कमाती है, सरकार कैसे कमाती है, या और भी कोई डाउट आपके मन में है, आपके भाई से आपके दोस्त से सीधा कमेंट बॉक्स में डालिए और हक से रिक्वेस्ट कीजिए, मैं जल्दी उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।